इंडिया में होने वाली सभी आम बीमारियों में से दोस्तों टीबी भी एक आम बीमारी है, जिसको इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी दोस्तों एक बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। जब हम सांस लेते हैं दोस्तों, तो हवा में मौजूद ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स में चला जाता है। हमारे लंग्स में चले जाने के बाद में दोस्तों ये बैक्टीरिया ट्रैवल करता है एल्वियोलाइज तक। एल्वियोलाइज हमारे लंग्स के अंदर दोस्तों वो जगह होती है जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है और वहीं ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर आता है। जब ये बैक्टीरिया दोस्तों हमारे लंग्स के एल्वियोलाइज तक पहुँच जाता है और वहाँ पर रिप्रोड्यूस करने लगता है, तब दोस्तों हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करता है। हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स इस पर अटैक करती हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है मैक्रोफेज। अगर आपका इम्यून सिस्टम दोस्तों वीक है, तो मैक्रोफेजेस इस बैक्टीरिया पर अटैक तो करेंगी, बट दोस्तों ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से दोस्तों ये बैक्टीरिया और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी तादाद को बढ़ाकर आपको इन्फेक्ट करेगा। जब ये बैक्टीरिया दोस्तों अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, तब ये आपके लंग्स को और भी ज़्यादा अफेक्ट करता है और ये वहाँ पर कैविटी फॉर्म करता है। जब ये बैक्टीरिया दोस्तों आपके लंग्स के अंदर कैविटी फॉर्म कर लेता है, तब ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे दोस्तों बलगम वाली या खून वाली खांसी आना, फीवर होना, थकान होना और साथ ही में दोस्तों भूख का ना लगना, ये सभी सिम्टम्स होते हैं दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस के। तो आपने जाना दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।